हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और GTU डेली टेक के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बहुत ही बढ़िया बढ़िया टेक की खबरें हैं, लेकिन उनको बताने से पहले मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूं, क्योंकि कल के वीडियो में ठीक से लाइक आए हैं। हालांकि 250 लाइक का टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए हैं, तो आज के वीडियो का लाइक टारगेट है 250। मुझे लगता है कि आप लोग ये अचीव करवा देंगे। बाकी पता चल जाएगा कल की टेक न्यूज़ के अंदर कि ये अचीव हुआ या नहीं हुआ। बट अगेन, आप लोग जो भी लोग लाइक करते हैं, थैंक यू सो मच। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की टेक न्यूज के बारे में बात करने की। लेकिन उससे भी पहले टेक ऑफ द डे के हिसाब से क्या आपको पता है कि रेडियो को किल किया टेलीविजन ने, टेलीविजन को किल किया इंटरनेट ने, अब इंटरनेट को कोई और किल कर सकता है। अब इसका मतलब क्या है? रेडियो को 50 मिलियन लोगों तक पहुंचने के लिए 38 ईयर्स लगे, टेलीविजन को ये काम करने के लिए 13 साल लगे और इंटरनेट को ये काम करने के लिए सिर्फ 4 साल लगे। तो सोचिए, धीरे 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 टेक्नोलॉजी एडवांस होती है और नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी को किल कर देती है, कहीं ना कहीं उसको ऑब्सोल्यूट बना देती है। ऐसा नहीं है कि रेडियो सुनना लोगों ने बंद कर दिया या टीवी देखना बंद कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है आज के समय में सबसे ज़्यादा लोग जो टाइम बिताते हैं वो इंटरनेट पर बिताते हैं। आपका क्या मानना है इसके बारे में, बताना ज़रूर अपने कमेंट्स वीडियो के नीचे। बात करते हैं दोस्तों पहली खबर के बारे में, और ये है आईफोन 13 के बारे में। आईफोन 13 के अंदर एप्पल कुछ अच्छा कर रहा है। आईफोन 13 की जो बैटरी है, चाहे वो आईफोन 13 मिनी है या फिर आईफोन 13 प्रो है या फिर मैक्स है, इन सब की बैटरी जो है बढ़ी हुई दिख रही है, यानी कि ज़्यादा बैटरी मिलने वाली है। और ऐसा भी देख रहा है डिज़ाइन के अंदर कि कहीं ना कहीं आईफोन 13 जो है 12 से ज़्यादा थोड़ा सा थिक होगा, क्योंकि उसमें थोड़ा कैमरा बल्ज भी ज़्यादा है। तो ऐसे में एप्पल ने इस एक्स्ट्रा स्पेस के अंदर आपको और एक्स्ट्रा बैटरी देने का डिसाइड किया है, विच इज़ अ वेरी गुड डिसीजन, क्योंकि आईफोन की जो बैटरी है कहीं ना कहीं लोगों को परेशान करती है। तो अब बड़ी बैटरी मिलेगी अगर आईफोन के अंदर तो वो बहुत अच्छी बात है। हालांकि वो एंड्रॉयड वाली कहानी नहीं होगी, यहां पे मैक्सिमम बड़ी बैटरी 4000 mAh के आसपास है। तो ऐसे में बड़ी बैटरी हो रही है, लेकिन आईफोन की बैटरी और ऑप्टिमाइज होती है और अच्छा बैकअप देती है अगर आप चार्जिंग ठीक से करें तो। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर के बारे में, और ये खबर आ रही है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग का गैलेक्सी Z Fold 3 का प्रोडक्शन जो है स्टार्ट हो गया है। ये नया इनका फोल्डेबल फ़ोन होने वाला है और ये फ़ोन पहले वाले से और बेहतर होगा। फोल्डिंग की फ़ोन्स की दुनिया में सैमसंग सबसे आगे चल रहा है, लेकिन अगेन क्या कुछ नया करते हैं ये Z Fold 3 में, ये देखने वाली बात होगी। तो समय के साथ हमें पता चल जाएगा, अगर प्रोडक्शन शुरू हो गया है तो आई थिंक 1-2 महीने में लॉन्च भी हो जाएगा। बात करते हैं आज की बड़ी खबर इंडिया के हिसाब से, CBSE के जो एग्ज़ाम है 12th के वो कैंसिल कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये अनाउंसमेंट कर दी है कि भाई हम 12th के बच्चों के जो एग्ज़ाम है उनको कैंसिल कर रहे हैं, ताकि उनको किसी भी तरह के इन्फेक्शन होने के चांसेस ना हो। और देश में ऑलरेडी कोविड की इतनी बड़ी लहर आके रही है, तो ऐसे में डेंजरस तो सबके लिए है। आज के समय में कोविड किसी को भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ मतलब एजेड लोगों को हो रहा है, यंग लोगों को भी कोविड हो रहा है। तो ये अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से, अच्छी क्लैप बनती है इसके लिए और आपकी तरफ से वीडियो पे लाइक बनता है। बात करते हैं दोस्तों पोको की खबर के बारे में। पोको का जो नया फोन है पोको M3 Pro, उसकी तैयारी शुरू हो चुकी है, 5G फोन होने वाला है। इसका एक टीजर वीडियो डाल दिया है और उसकी लॉन्च डेट आ गई है 8 जून को 11:30 ये फोन लॉन्च होगा। काफी कुछ लॉन्चेस होने वाले हैं यहाँ जून के अंदर, पावर पैक महीना होने वाला है। सारी कंपनी भरी बैठी थी कि भाई हमने जो है मई के अंदर कुछ भी लॉन्च नहीं किया, तो सारा जो है वो लॉन्च अपना निकालेंगे जून के अंदर। तो ऐसे में क्या आप वेट कर रहे हैं इस फोन का? पोको M3 Pro 5G इज गोइंग टू बी अ गुड फोन, बाकी रिव्यू के अंदर हम आपको बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों अगली खबर, और ये और भी बड़ी खबर है क्योंकि ये जियो की तरफ से आ रही है। जियो का जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है उसकी अनाउंसमेंट हो गई डेट की, वो होने वाला है 24 जून को। जून के अंदर एक और धमाका, और जियो अनाउंस करने वाला है अपना नया 5G फोन, जो कि उसने गूगल के साथ पार्टनरशिप में लॉन्च करना है। यानी कि जियो प्लस गूगल, वो दो बड़ी बड़ी कंपनी। गूगल अपना सॉफ्टवेयर में बहुत ही बढ़िया कंपनी है, मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी है, हम गूगल के सभी सर्विसेज को यूज़ करते हैं, और जियो अपने आप में नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा तेज़ रहता है। तो ऐसे में 5G का फ़ोन, वो भी जियो प्लस गूगल, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। और ये फ़ोन कहा जा रहा है सिर्फ 2500 से मिल सकता है आपको। 2500 रुपये में ऐसा फ़ोन अगर मिलेगा
तो आई थिंक वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन देखने वाली बात होगी कि वो कितनी आसानी से मिल पाता है और कितना डिफरेंट वो होता है, क्या वो लॉन्ग टर्म के लिए सही रहता है। क्योंकि सस्ते फ़ोन का मतलब ये नहीं है कि वो लॉन्ग टर्म में बढ़िया चलेगा, सस्ते फ़ोन का मतलब ये है कि आपको जो मेन फीचर्स हैं वो कहीं ना कहीं मिल जाएंगे इस फ़ोन के अंदर, क्योंकि जियो और गूगल मिल के पैसा लगाएंगे कि भाई प्रमोशन करना है बढ़िया वाला। अब बात करते हैं दोस्तों मीम ऑफ द डे की, और ये यहाँ पे आई है हमारे शेख अहमद जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि ये सही खेल गया, और उन्होंने किस चीज़ के बारे में कहा है वो आपकी स्क्रीन पे है। तो मुझे लगता है अगर दुनिया में कोई भी ऐसा बंदा है जो यूएसबी ड्राइव एक बार में सही लगा दे, तो मतलब मैं तो उसको प्रो ही बोलूँगा भाई, वो मतलब वो बंदा प्रो है। तो क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कभी कि एक बार में यूएसबी ड्राइव लग गई हो? मतलब ज़्यादातर तो ऐसे होता है कि ऐसे लगाओ फिर ऐसे लगाओ फिर ऐसे लगाओ। जब यूएसबी सी के ज़माने नहीं होते थे तो ये सब चीज़ें होती थी। शायद आप लोगों में से कुछ लोगों को वो चीज़ देखी होगी, आपने एक्सपीरियंस की होगी, कमेंट्स में बताना अपना एक्सपीरियंस। बात करते हैं दोस्तों टिप्स एंड ट्रिक्स की, और टिप्स एंड ट्रिक्स में आज है कि कैसे आप अपने आईफोन को बोल सकते हैं कि भाई पेज को मैं रीड नहीं करूंगा, तू मुझे रीड करके बता। जी हाँ, आईफोन पे ये काम कर सकते हैं, आप एंड्रॉइड पे भी कर सकते हैं। यानी कि आप कोई भी वेब पेज खोल रखा है, कुछ भी है आपके फ़ोन के ऊपर, तो आईफोन आपको रीड करके सुनाएगा, आपके लिए जो है नरेटर बन जाएगा। तो ये बढ़िया फीचर है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके पढ़ लेना हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और दूसरा टिप भी सुन के जाइए, ये है कि कैसे आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड ईमेल जीमेल के थ्रू भेज सकते हैं, या फिर कोई और अल्टरनेटिव सर्विस हो सकते हैं। कई बार आप ईमेल भेजते हैं तो ईमेल कोई भी पढ़ लेता है, लेकिन अगर उसमें पासवर्ड हो तो सिर्फ वही पढ़ पाएगा जिसको पासवर्ड पता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं जीमेल में भी और बाकी और ईमेल सर्विसेज के थ्रू भी। तो अगर आप चाहें तो ऐसा कुछ कर सकते हैं। इसके बारे में कैसे करना है क्या करना है लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाके पढ़ लीजिए। तो ये थी आज की टेक न्यूज़, टेक मीम्स, टेक का ज्ञान। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो कंजूसी मत किया कीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए, मतलब वीडियो के नीचे कमेंट भी किया कीजिए, ताकि आपका हमें ओपिनियन पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।